हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म और इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 12 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होने वाली है। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर एक बिजनेस की प्रॉपर्टी को ले जाता है, एसेट को ले जाता है, तो हमको कैसे डील करना है। सेकेंड टॉपिक है कि अगर कोई पार्टनर एग्री हो जाता है कि मैं फर्म की लाइबिलिटी को पे करूंगा, तब हमको इसके साथ कैसे डील करना है। मान लो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट जब हमारे पास गिवन होता है प्लस कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर दी हुई होती है, उसकी हेल्प से हम क्या रेडी करते हैं? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी एसेट को उठाकर इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि हमारी एसेट के अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो एसेट के अकाउंट जब भी हमको यहाँ पर ट्रांसफर करने होते हैं, वो हमको ट्रांसफर करने होते हैं बुक वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एसेट साइड में हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं स्टॉक को यहाँ पे क्या करूंगा, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। इसी तरह से मशीन बुक वैल्यू के ऊपर 50,000 के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। क्रेडिटर्स भी, लाइबिलिटी भी हमने ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसे कि हमको इक्वेशन दे रखी होती है, हम अपनी एसेट को सेल करना स्टार्ट करते हैं। एसेट्स को सेल करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने स्टॉक को बेच दिया। स्टॉक कितना का है, मान लो 70,000 का है। स्टॉक को बेचा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय कैश या बैंक अकाउंट। मैंने स्टॉक 70,000 का था, स्टॉक मैंने 70,000 में बेच दिया, मैंने 70,000 लिख दिए। और मान लो मैंने मशीन भी सेल कर दी, तो यहाँ पे मशीन को सेल करने से भी क्या लिखूंगा, बाय कैश। मशीन मैंने सेल कर दी मान लो 40,000 के अंदर, हालांकि मशीन मैंने बुक वैल्यू पे ट्रांसफर की है, सेल कितने में की, 40,000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40,000 लिख दिया। इसी तरह से ही अब मान लो ये जो मशीन है, हम एक बार ये मानकर चलते हैं कि मशीन हमने फर्म ने सेल नहीं की, सेल नहीं की। तो मान लो हमारे पास पार्टनर है एक्स, वो पार्टनर एक्स ने क्या किया, इस मशीन को ले गया फर्म में से, खुद घर ले गया मान लो। अब सोचकर देखो कि कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को कैसे लेके जा सकता है। अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी को लेके जाएगा तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल को कम कर देगी, सिंपल सी बात। मान लो अब हमने इस मशीन को सेल नहीं किया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कैश की जगह क्या लिख देंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 की मशीन थी, अब वो मान लो 40,000 में लेके गया, तो हमने 40,000 उसकी कैपिटल में से क्या कर देने हैं, कम कर देने हैं। तो अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस की एसेट को ले जाता है तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट में ले गया है, 40,000। अगर वो 50,000 की मशीन 50 में ले जाता तो हम यहाँ पे 50 का 50 अमाउंट लिख देते। नरेशन में आप एसेट का नाम लिख सकते हो, एसेट टेकन अप बाय पार्टनर। एसेट कौन ले गया, पार्टनर ले गया, ठीक है। जब हमने मशीन कैश में सेल की तो हमने क्या एंट्री की थी, यहाँ पे क्या लिखा था, कैश अकाउंट। तो इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी जब फर्म कैश में सेल करती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी कैश में सेल हो जाती है फिर तो हम ये एंट्री करते ही आए हैं पीछे से। पर मैं यहाँ पे आपको क्या टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने कैश में सेल नहीं किया है, मान लो ये हमने कैश में सेल नहीं किया है और वो प्रॉपर्टी मान लो पार्टनर ले गया, तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन बिजनेस की प्रॉपर्टी को लेके जाएगा, पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी को लेके जाएगा, तो बिजनेस क्या करेगा, उसकी कैपिटल को कम कर देगा, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। इसी तरह से फर्म जब अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट करती है तो यहां पर क्या लिखेगी, टू कैश या बैंक अकाउंट। मान लो मैंने ये 15,000 की लाइबिलिटीज की मैंने पेमेंट कर दी, 10,000 के क्रेडिटर्स, 5,000 के बिल्स पेबल, मैंने यहां पर पेमेंट कर दी टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पे मुझे क्या लिखना है, टू कैश या बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए कि कोई पार्टनर एग्री हो जाता है कि मैं बिजनेस की लाइबिलिटी को मैं पे कर देता हूं, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का नाम यहां लिख देंगे। उस पार्टनर का क्या नाम है, मान लो
वाई, तो उसकी वाई की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस की तरफ से लाइबिलिटी को पे किया है तो फर्म की भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उतना ही अमाउंट उसकी कैपिटल में हम क्रेडिट में ट्रांसफर करें। तो सिंपल सी बात, अगर कोई पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटी को टेकअप करता है, बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करता है, तो क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जिस भी पार्टनर ने लाइबिलिटी को पे किया है उसकी हम कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 15,000, तो 15 के 15,000 आप लिख दो। इसी तरह से मैं आपको भी क्या बता रहा था, अगर वो लाइबिलिटी फर्म ने खुद पे ही कर देती, पे कर ही देते, तो सिंपल सी बात थी, तो हम क्या एंट्री कर देते, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट, 15 के 15,000 रुपए फर्म के बैंक बैलेंस में से कम हो जाते हैं। पर अगर फर्म ने कैश या बैंक में पेमेंट नहीं की है, वो प्रॉपर्टी अगर पार्टनर ने, वो लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने पे की है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री कर देंगे। सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई पार्टनर बिजनेस की एसेट को लेके जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट। लाइबिलिटी के केस में देखो एंट्री उल्टी हो जाएगी, लाइबिलिटी पे करेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पर ये हमको क्रैमिंग करने का जरूरत नहीं है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रट्टा मार के चलोगे तो आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रैक्टिकली थोड़ा सा माइंड से सोचकर देखो कि किसी पर्सन ने बिजनेस की एसेट को टेकअप कर लिया, फर्म क्या करेगी, उसकी कैपिटल को कम कर देगी। पार्टनर की कैपिटल को अगर कम करना है तो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट। किसी पार्टनर ने फर्म की तरफ से लाइबिलिटी को पे कर दिया तो फर्म क्या करेगी, बोलेगी ले भाई तूने मेरी तरफ से कोई धर्म निभाया तो तेरी कैपिटल को भी मैं उतने अमाउंट से क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। तो हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। हेल्प हमने ध्यान रखनी है कि इन दोनों एंट्रीज के अंदर हमने हेल्प रियलाइजेशन अकाउंट की ही लेनी है, क्योंकि ये वाली जो एंट्री होने वाली है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होने वाली है। किसी भी लाइबिलिटी का नेम लिखना है तो हम नरेशन में लिख सकते हैं, एसेट का नाम लिखना है तो नरेशन में लिख सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, यहाँ पे एसेट को क्रेडिट कर दो, नहीं, क्योंकि एसेट को जब हमने ट्रांसफर किया है एसेट का अकाउंट तभी क्लोज हो चुका है, लाइबिलिटी को जैसे ट्रांसफर किया लाइबिलिटी का अकाउंट तभी क्लोज हो चुका है। इसलिए लाइबिलिटी को जब मैंने पेमेंट की है तो यहां पर सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट लिखा, एसेट से जब मैंने पैसा वसूल किया तो सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट से हेल्प लिया है, हमने उस प्रॉपर्टी के नाम से पैसा रिकवर नहीं किया अभी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे भी क्वेश्चन में हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत डीपली एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, तो केसेस को हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।